नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल. आपण पाहत आहात मीरा भाईंदर लाईव्ह. लोकसभेच्या रणधुमाईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निवडणुकीच्या बाहेर असूनही चर्चेत आहे. गुढीपाडवा मेळाव्याच्या नंतर मनसेने उघडपणे आघाडीला दिलेला पाठिंबा हा युतीच्या नेत्यांना, विशेषतः भाजप नेत्यांना, खुपलेला दिसतोय. मीरा भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहतांच्या वक्तव्यावरून तरी असंच दिसतंय. 10 एप्रिलला भाईंदर पश्चिमेच्या मॅक्सिस मॉलमध्ये युतीचं उत्तर भारतीय संमेलन झालं. आमदार नरेंद्र मेहतांनी समोर जमलेल्या उत्तर भारतीयांना पाहत थेट मनसेवर आपल्या भाषणाचा मोर्चा वळवला. राज ठाकरेंचा राग काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीवर काढा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. ये कांग्रेस एनसीपी में उदाहरण के तौर पे अभी हमारे अमरजीत मिश्र जी बात कर रहे थे कांग्रेस एनसीपी की. मुझे तो याद आता है कि कांग्रेस और एनसीपी, मनसे का पता नहीं क्या नया चल गया, क्योंकि वो ये वही मनसे है जो कभी उत्तर भारतीयों को मारने की बात करती है, कभी छोड़ने की बात करती है, कभी देश छोड़ने की बात करती है, कभी शहर छोड़ने की बात करती है, कभी राज्य छोड़ने की बात करती है. आज मनसे क्या कर रही है? हम अक्सर कहते थे कि मनसे पार्टी जो है कांग्रेस का ही बीज बोया हुआ है मतों का विभाजन करने के लिए, हिंदुत्व के वोट को विभाजन करने का मनसे. तब शायद लोगों को प्रश्न चिन्ह पड़ता था. आज तो खुलेआम आ गया है कि भैया इनको वोट मत दो, इनको वोट दो, तो ये सीधा साबित होता है. और कांग्रेस और राष्ट्रवादी उनको इसलिए साथ नहीं लेती है केवल क्योंकि वो खुले हो जाएंगे. अगर उन्होंने मनसे को साथ में ले लिया तो उनकी चिंता यह है कि बिहार में हमको वोट कौन करेगा, उत्तर प्रदेश में हमको वोट कौन करेगा, उनकी झारखंड में हमें वोट कौन करेगा, क्योंकि राज ठाकरे जी ने जितनी गालियां भर भर के दी है, अब तो यह समय आया है कि कांग्रेस का हिसाब तो लो ही और राज ठाकरे का हिसाब भी कांग्रेस से और राष्ट्रवादी से ही लो. क्योंकि अब मौका मिला है तो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का हमें मौका मिला है. राज ठाकरे जी को भी अपनी जगह दिखा दीजिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी कि दोगली भूमिका जो है, महागठबंधन हो या कोई भी गठबंधन हो, चलेगा नहीं. एकमात्र हमारे फिर से प्रधानमंत्री कोई बन सकता है तो नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं. आता मीरा भाईंदरचे उत्तर भारतीय मेहतांच्या आवाहनाने आघाडी विरोधी मतदान करणार की मराठी मतदार मेहता विरोधी जाऊन युतीला खाली पाडणार हे 23 मेच्या निकालातच स्पष्ट होईल. बाकी अपडेट्ससाठी कनेक्ट राहा मीरा भाईंदर लाईव्ह सोबत.